Hello guys, this is NK Rao from General Study Channel. Don't mug up, try to build a personal logical study. बात की जाए तो General Study Channel पे आप देख आज डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर का करंट अफेयर। तो आप अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके रेलवे ALP में पूछा जाता है क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के करंट अफेयर को अगर सीखना चाह रहे हैं तो इसमें General Study Channel पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और अपना फायदा आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं जी। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन। अब देखिए तो बोला पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस हिंद महासागर क्षेत्र के लिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है जी? तो हरियाणा में किया गया है। इसमें बात की जाए तो हमारे वायु परिवर्तन, हमारे समुद्री डोमेन जागरूकता सुधार के लिए, वाणिज्य शिप और वायु शिपिंग के लिए ये सब सम्मान दिया गया है जो हरियाणा का करेगा, इन्फॉर्मेशन सेंटर कलेक्ट करेगा। बात की जाए हरियाणा का तो हरियाणा का कैपिटल कहाँ है जी? तो चंडीगढ़ है। उसके गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। CM कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है जी। बात की जाए आपको बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा रहा है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है जी? तो हरियाणा में है। बात की जाए नेवी के लिए, तो नेवी के चीफ कौन है जी? तो सुनील लांबा है। नेवी के एडमिरल कौन है जी? सुनील लांबा है। अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना डे नेवी डे कब मनाया जाता है जी? तो भारतीय नौसेना डे हरियाणा 4 दिसंबर मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस हिंद महासागर क्षेत्र में इंफॉर्मेशन के लिए है जी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं 2 क्वेश्चन की। तो भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो किसने लिए? तो भूपेश जो बघेल हैं वो छत्तीसगढ़ के CM बने हैं जी। अगर और की बात की जाए तो भूपेश बघेल ने, देखिए जो कांग्रेस के लीडर हैं, इन्हें 68 सीटें लाई है, टोटल 90 सीट थी। और बीजेपी को कितना मिला जी? तो 15 मिला है यहाँ पे। देखिए बात की जाए तो राजस्थान के CM कौन है? तो राजस्थान के CM कौन है जी? तो अशोक गहलोत बने हैं। तो राजस्थान के CM अशोक गहलोत बने हैं। डिप्टी CM कौन बने हैं जी राजस्थान के? तो राजस्थान के डिप्टी CM बने हैं सचिन पायलट बने हैं। मिजोरम के कौन बने हैं जी? तो जोर मथंगा बने हैं। तेलंगाना के CM तो वही पुराने वाले ही बने हैं, के चंद्रशेखर राव है। तो इसको तो रिविजन करने की हमको जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए इतना सब आप लोग पूरा का पूरा याद कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। जो भी नए पूछे गए हैं इसको आपको क्वेश्चन जरूर ही जरूर पूछा जाएगा, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें क्योंकि जो नए बने हैं उनका क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और ताकि कभी सभी इससे बेनिफिट उठा सके जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2018 की किताब किसने दिया? तो कैटरीना ग्रेन ने जीता है। किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2018 की किताब कैटरीना ग्रेन जीता है। ये आपको पता है फिलीपींस की हैं, तो कैटरीना ग्रेन जो फिलीपींस की है वो बनी है मिस यूनिवर्स 2018 की किताब जीती है। मिस यूनिवर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब पहली बार मिस यूनिवर्स की किताब देना स्टार्ट किया था? तो 1952 से किया था जी, 17 दिसंबर 1952। इंडिया आज तक 2 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुका है। एक बार 1994 में सुष्मिता सेन जीती थी और 2016 में लारा दत्ता ने जीता थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिला, तो मिस यूनिवर्स के बारे में मिला। ऐसे ही मिस वर्ल्ड का मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा जी कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। 16 दिसंबर 2018 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में टूर्नामेंट किसने जीता है? तो किसने जीता है जी? तो PV सिंधु ने जीता है। आपको 16 दिसंबर 2018 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा कराया जाता है टूर्नामेंट किसने जीता है? तो PV सिंधु ने। नोजोमी ओपेरा का क्या है जी? सेकेंड रनर अप थी। हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ हुआ है जी? किस देश ने जीता है? बेल्जियम में, बेल्जियम ने जीता है। बात की जाए तो ये कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है जो उड़ीसा का क्या है जी, कैपिटल है। हॉकी विश्व कप जो आपको है, हॉकी कप ध्यान रखिएगा कि कौन हुआ है जी, उड़ीसा में हुआ है। कभी स्टेट भी पूछ लेता है, कभी जगह का नाम भी पूछ लेता है। हाल में ही अरुण भादुरी का निधन हो गया। अरुण भादुरी क्या है जी? तो अरुण भादुरी आप देख सकते हैं गायक हैं, इन्होंने बंगाली गाने की गानों के लिए क्या कहा जाता है जी, बंगाली गानों में फेमस है या भजनी के लिए फेमस है। इन्हें बंग विभूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है।
25 टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? देखिए 25 टेस्ट बनाने वाले पहले बनाने वाले दूसरे तेज बल्लेबाज बनने हैं आपको विराट कोहली। तो विराट कोहली को आप देख सकते हैं कि दूसरे बने हैं। बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर आपको टेस्ट शतक बनाने में वो 30 में बनाए हैं, तो इसलिए वो इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को $1.4 बिलियन की वित्तीय सहायता दी है, घोषणा की थी, तो मालदीव को देना है, क्योंकि आपको भी पता है कि चाइना का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसको हम लोग को नलीफाई करने के लिए मालदीव को क्या करना पड़ेगा जी, हेल्प करना पड़ेगा। इसलिए मालदीव को क्या दिया जा रहा है, $1.4 बिलियन को वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है, जिससे वो क्या करे, चाइनीज जो भी लोन है उसे निकल सकेगी। हाल में किसे फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है जी, फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं अशोक अमृतराज को दिया गया है जी। 10 अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा निम्नलिखित में से किससे 2018 का ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में नामित किया गया? तो नोवाक जोकोविच को किया गया जी ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में। ये इन्होंने 6 बार यह सम्मान, यानी 6 बार इन्होंने ये जीता है जी। तो नोवाक जोकोविच को 6 टाइम्स से सम्मान मिला है, जिसे कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छा इसमें नाम कमाया है जी। तो ये वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन के द्वारा आपको दिया जाता है ITF वर्ल्ड चैंपियंस का अवार्ड दिया जाता है जी। कल के जो क्वेश्चन है, साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे ज्ञानपीठ का सम्मान किया गया? तो अमित घोष को दिया गया, अमिताभ घोष को दिया गया। आप लोग याद रखिएगा जी, अमित घोष नहीं अमिताभ घोष है। हाल में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू हुआ है, तो बता दूं वडोदरा में हुआ जी। और ये क्वेश्चन आपको BPSC में भी आया हो तो आप लोग याद रखिएगा, BPSC का जो पेपर हुआ है अभी लास्ट वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब ध्यान रखिए जी। और BPSC वाले में मतलब ऐसा पूछा था, एक यूनिवर्सिटी का पूछा था, एक ITI कॉलेज का पूछा था, बोला था इसमें पहला कौन है, उसमें मल्टीपल आंसर भी क्या है जी करेक्ट है। मैं बात करूं तो आज मैं BPSC का भी पेपर का आप लोग सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं कि करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है और करंट अफेयर कितने क्वेश्चन आए हुए। अगर किसी को करंट अफेयर आता है समझिए BPSC का PT, तो उसको बहुत ही आसानी से निकल जाएगा जी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।